जय महादेव। पिछले वीडियो में आपने देखा था हम आबू की परिक्रमा पर थे और हमने महाशिवरात्रि के दिन ही आबू की परिक्रमा पूरी करके हम सायं रात्रि में भगवान केदारनाथ के मंदिर पहुंचे। यह मंदिर रोहिड़ा से करीब 5 किलोमीटर और वासा से 2 किलोमीटर वनवासी अंचल में है। चारों ओर जंगल ही जंगल और यहाँ न तो आपको कोई साधन मिलेंगे, सारे वनवासी लोग रहते हैं। ये मंदिर काफी प्राचीन है। बताया जाता है कि रोहिड़ा को जो राजराजेश्वर मंदिर है उसकी जो प्रतिष्ठा हुई थी उसमें ये शिवलिंग लगने वाला था, लेकिन ये जब शिवलिंग वहां मेवाड़ से लाया गया तो महादेव की ऐसी शर्त थी कि मैं रास्ते में कहीं विश्राम नहीं लूंगा, तो उस समय पैदल चलने का जमाना था। यहाँ आके ऐसा बताया जाता है कि लोगों ने विश्राम ले लिया, इसलिए ये केदारनाथ वही बन गए। उसके पश्चात इस मंदिर यहाँ पर छोटा सा मंदिर बन गया और उसके पश्चात ये दोबारा इस मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ है। आज हम यहाँ पर महाशिवरात्रि के निमित्त यहाँ आए हैं, जहाँ पर हम रात भर चारों प्रकार की पूजा और अभिषेक विद्वान पंडित पोपट भाई दवे के नेतृत्व में कर रहे हैं। कि आप देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी आदिवासी वनवासी बच्चे हैं वे यहाँ पर रात भर नाचते कूदते और भोलेनाथ के भजन में बड़े मग्न हो चुके हैं और यहाँ का वातावरण बड़ा ही आनंददायक है। यह मंदिर त्रिवेणी संगम पर बना है, यहाँ कच्चे रास्ते के माध्यम से हम जा सकते हैं। त्रिवेणी संगम पर यह मंदिर बना है और आजकल इस मंदिर के निकट ही डैम बन गया है। चारों ओर यहाँ पर वनवासी ही वनवासी लोग रहते हैं और इन वनवासियों के बीच में भगवान भोलेनाथ विराजे हैं, जहां पर आज महाशिवरात्रि के निमित्त इस मंदिर को रोशनी से सुसज्जित किया गया। आप देख रहे कितना सुंदर लग रहा है और हम यहां पर शिव भक्तों के साथ महाशिवरात्रि मना रहे हैं। आइए आप भी आज महाशिवरात्रि का हमारे साथ आनंद लीजिए, क्योंकि आज भोले बाबा का सबसे बड़ा दिन है, देवाधिदेव महादेव का आज दिन है। निर्विघ्नम अस्तु गणपति रे चरणों में प्रार्थना करो सब घर से एकदम तज कपि लोग जिकरण कलम पवदर च विघटो विघ्न नाशो विदायक दुम्र के दुर्भादक जो भाल चित्र रोग जानदा द्वादशे तानि नामानि अपने सुनियादवि विद्या रूपाय च प्रवेश इंद्रिय में तदा संग्रामी संगडे च विघ्न तस्य न जायते शुक्लांबर धम देव सुति वर्ण चित्र भोजम प्रसन्नवदन ध्यायेत सर्वविघ्नो प्रशान्तेः अभिप्सिद्ध्यर्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो असुरासुरे सर्वविघ्नारतश्मी गणाधिपते नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थशादिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् एषा हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तैङ्गृदं सम्रामी लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय एषा मन्दिवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दना यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शिवजीव भूति ध्रुवा नितिर्मितिर्मम सर्वेश्वराधकारेषु त्रिस्त्रिभुवनेश्वरा देवादिसन्तुलसिद्धि ब्रह्मसाधिर जनार्दना विनायकं ब्रह्मानु ब्रह्म विष्णुमेश्वर सरस्वती प्रणम्यादो सर्व कार्यार्थ सिद्धि छोड़े देव भगवंत चरण में
महाशिवरात्रि को लेकर इस मंदिर में रात भर यह वनवासियों के बच्चे जिनके तन पर सर्दी से ढकने के लिए पूरी तरह से कपड़े भी नहीं है, उसके बावजूद रात भर ये नाचते गाते रहे। और प्रातः के चौथे प्रहर की जब आरती हुई तो उस आरती का जो महाप्रसाद था वह महाप्रसाद इन बच्चों ने ग्रहण किया। उसके पश्चात ही वे अपने घर पर लौटे, अर्थात वनवासियों के बीच में भी भोले बाबा का। जी हाँ, मातृ गौरव चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अरे भाई भाई, खबरदार रहिए, हर बेखबर को खबरदार करे मातृ गौरव चैनल। और दोनों भैया लाइक करें, शेयर करें इस चैनल को, और माँ कसम कमेंट्स भी देते रहें। जी हाँ, तो आइए मातृ गौरव चैनल के माध्यम से ढेर सारी शुभकामना देता हुआ मैं यानी संजय वर्मा, वैभव जाम, वैष्णव।